अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन आलू गोश्त। आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें, ये हैं 6 अदद आलू दरमियाने साइज़ के, जिसको मैंने पील ऑफ करके दरमियान से कट कर लिया है, आधा किलो चिकन, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 बड़े टमाटर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, हरा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा, और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ऊपर, और 1/4 टीस्पून हल्दी, और यह है देसी घी। इसमें मेन इंग्रेडिएंट देसी घी है और इसी का ही फ्लेवर इसमें इन्हेंस होता है। सो लेट्स कुक। घी अच्छे तरीके से गर्म हो गया, अब इसमें चिकन ऐड करने लगी। अब इसको अच्छे तरीके से आप भून लें जब तक ये वाइट नहीं हो जाता। चिकन जैसे वाइट होते तो ये देखिए, अब हम इसको वापस बाहर निकाल देंगे। अब इसी और में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँ, मिक्स करके साथ ही प्याज टमाटर शामिल कर दूँ। साथ ही 1 कप पानी ऐड कर दूँ। नमक, मिर्च, हल्दी ऐड करते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप इसको 5 से 10 मिनट पकने दें हल्की आंच पे। जी, प्याज अब हमारा गल चुका है, मैं चिकन ऐड कर रही हूँ इसमें जो हमने फ्राई करके रख लिया था। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई कर देंगे। जब लगचन हो जाएगा तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। जी, मुड़ी अब भुन चुकी है, मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं अच्छे तरीके से मिक्स करके। अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। अंदाजे के मुताबिक आप तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप 1.5 गिलास कर लें, वरना 1 गिलास काफ़ी है। 2-3 उबाले आँच पे पकने दें, उसके बाद हल्की आँच करके पकने दें। जी, तो पहले मैंने 2 उबाले लगवाए हैं, अब मैंने इसका फ्लेम आस्ता कर दिया है। अब इसमें ये मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ, गर्म मसाला, काली मिर्च। 5 से 10 मिनट आप हल्की दम की आंच पे इसको पकने दें। आलू गोश्त तैयार है, अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। जी, आलू गोश्त तैयार है। In the sky, gazing far into the night.